Sponsored by 7Tree. Plywood, WPC doors, frames, edge band tapes. आलू गांव में बुजुर्ग दंपत्ति के हत्या के मामले में दो लोग गिरफ्तार। पुलिस आयुक्त ने किया प्रेस मीट में खुलासा। आलूर गांव में दो वृद्ध दंपत्ति की संदिग्ध मौत हुई। मृतका गंगामणि की बहन पल्ले अनुराधा ने पुलिस में शिकायत की। आलूर गांव में बुजुर्ग दंपत्ति की उनके घर पर संदिग्ध रूप से मृत्यु हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी और जांच में नाबालिग युवक पडिगेला ओमकार उर्फ साई कुमार, जो मृतक दंपत्ति का दत्तक पुत्र है, उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और A1 उसे भी हिरासत में लेकर अवरासी वेंकट के साथ पूछताछ की गई। थोड़ी सख्ती की तो उसने पूरा सच उगल दिया। मृत दंपत्ति के पुत्र ने योजना बनाकर एक व्यक्ति वेंकटी के साथ मिलकर मृतक पडिगेला गंगाराम और उसकी पत्नी गंगामणि, पहले माता गंगामणि को साड़ी से गला घोटने के बाद पिता को भी साड़ी से गला घोटकर हत्या की। हत्या आत्महत्या लगे इसने शक ना हो छत पर लटकाया। मृतकों के शरीर पर सोने के आभूषण, गले की सोने की चेन, सोने के ब्रेसलेट की जोड़ी, सोने की कड़ी की एक जोड़ी, सोने के कान के झुमकों की एक जोड़ी, जांच के दौरान चांदी के पैर के पायजेब की जोड़ी की चोरी की। वेंकटी के खिलाफ 2008 में आरमुरम थाना में बलात्कार और हत्या का एक मामला, चोरी का एक मामला दर्ज है। ये पुराना अपराधी है। पुलिस कमिश्नर ने हत्या का मामला सुलझाने, अपराधियों को पकड़ने में अहम भूमिका निभाने वाले आरमुर ACP प्रभाकर राव, CI B सुरेश बाबू, SI प्रदीप कुमार, ASI शेख गफ्फार, कांस्टेबल K गंगा प्रसाद एंड श्रीकांत की प्रशंसा की। तेलंगाना निजामाबाद, नव भारत समाचार से जुगल पांडे की रिपोर्ट।